पीछे से आए, उन्होंने अनोखे को घुमा दबाया हुआ है उन्होंने, और बिल्कुल उनकी लेग लॉक लगाया हुआ है, बिल्कुल अनोखे अभी तक नीचे गिरे हुए हैं। जुबैर की कोशिश है कि अनोखे को इस वक्त अनोखी ने ये दांव बर्दाश्त किया और उन्होंने अनोखी को नीचे और पिन फॉल करने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हुए। अटेंशन अटेंशन मंसूर, यूनुस मंसूर, ये रिकॉर्डिंग जो है ये स्पोर्ट्स मैगजीन में 9:40 पे दिखाई जाएगी। ये रिकॉर्डिंग जो है स्पोर्ट्स मैगजीन में 9:40 पे दिखाई जाएगी। अरेंजमेंट्स कर लें और न्यूज में कहलवा दें। और आने वाला शुरू हो गया। जुबैर ने जुबैर को उठाने की कोशिश की और जुबैर ने दस्ती लगाई और जोर से अनोखी को गिराया। अनोखी ने फौरन जवाबी दांव लगाया जुबैर के खिलाफ। और इस वक्त जुबैर ने बहुत पीछे से आए और बहुत अभी तक जुबैर का हाथ पकड़ा हुआ है। जुबैर अपना हाथ छुड़ाने में कामयाब हो गए। जुबैर ने बहुत जोर से दबा रहे हैं अनोखी को और वो पॉइंट हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। उस जोर से उन्होंने जस्ट लगाई। अनोखी इस वक्त नीचे गिरे हुए हैं। एक दफा फिर उन्होंने जस्ट लगाई और बर्नार्ड पूछ रहे हैं कि आया वो सबमिट कर रहे हैं या नहीं। काफी दबाव में है इस वक्त, लेकिन अभी तक उन्होंने अपनी हार तस्लीम नहीं की। अनोखी खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं। जुबैर ने नेक लॉक लगाया हुआ है। अभी तक अनोखी खड़े हो गए। जुबैर ने पुश करने की कोशिश की। रेफरी ने विसिल बजाई कई मरतबा और फौरन जवाब में रेफरी ने कहा कि विसिल बजने के बाद कोई पहलवान जो है और फौरन छोड़ दे। जुबैर ने बहुत जोरदार टक्कर मारी है अनोखी के। अनोखी इस टक्कर से चकरा गए और दोबारा टक्कर मारने की कोशिश की और वो उन्होंने जुबैर ने अनोखी को नीचे गिरा दिया है। अनोखी अभी तक नीचे गिरे हुए हैं, लेकिन वो फिर दोबारा रिंग में आ गए हैं। ये इस मुकाबले का दूसरा राउंड। फिर टक्कर मारी जुबैर ने, नीचे से उन्होंने बाजू मारा। इस वक्त अनोखी ने जुबैर के खिलाफ दांव लगाने की कोशिश की, लेकिन जुबैर बहुत तेजी से उनके ऊपर आए और उनकी कोशिश है कि दोनों बाजू लगा दें, लेकिन अनोखी ने बहुत फुर्ती से अपने आप को बचाया। इस वक्त अनोखी के पैर और ये दूसरा राउंड भी खत्म हो चुका है। मुकाबला बहुत सख्त है और दोनों पहलवानों के दरमियान एक एक राउंड के लिए जबरदस्त जोर लगाया जा रहा है। अब तक जो पहले दो राउंड हुए हैं उसमें अनोखी के मुकाबले में जुबैर का पल्ला भारी नजर आता है। दूसरे राउंड में जुबैर ने कई मरतबा उठी और दस्ती लगाई थी। ये वो दांव हैं जिनमें जुबैर को काफी महारत हासिल है और ये तीसरा राउंड शुरू हो गया। बहुत तेजी से इब्तदा की थी जुबैर ने। एक टक्कर लगाई, उसके बाद यह के बाद टक्कर के बाद बायां बाजू मारा। अनोखी ने झटका दिया उनकी गर्दन को, गर्दन को अपनी गिरफ्त में लिया, लेकिन जुबैर ने बहुत
तेजी से अपनी गर्दन को छुड़ा लिया है। बाएं को पकड़ा अनोखी ने और बोड़कर वो पीछे लाया चाहते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो अपने दांव में कामयाब होते, जुबैर ने झटका देकर अपना बाजू छुड़ाया और इस वक्त जुबैर के यके बाद दिख रहे दो, उन्होंने बाजू से अपने जोरदार पंच लगाया। जवाब में जुबैर ने भी वही तर्ज इख्तियार किया। ये तीसरा राउंड है। इस वक्त जुबैर का बाजू पकड़ा हुआ है अनोखी ने। अनोखी नीचे बैठे एक घुटने कर बल बैठे हुए हैं, तेजी से आए नवे का जाबे बनाते हुए। ये दस्ती करना कहते हैं इसको पाकिस्तानी स्टाइल में। उन्होंने अनोखी की उंगली को मोड़ा, बायां बाजू पकड़कर उठाया, एक बाजू एक तार। अब इसरो ने बहुत अच्छा आर्म लॉक लगाया हुआ है, पूरी ताकत से दोनों पैरों को उन्होंने कैंची लगा दी है, लेकिन अनोखी ने एक पैर जुबैर की टांग में फंसाया, बहुत जोर से दबाया हुआ है। जुबैर ने अनोखी का बायां पैर मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये है अनोखी। अनोखी ने बहुत जोर से जुबैर की गर्दन में हाथ डाला, पलटने की कोशिश की। जुबैर बहुत जोर से बाजू लगा रहे हैं और इस वक्त जुबैर अनोखी को नीचे फेंकना चाहते थे, लेकिन रेफरी बर्नार्ड विसिल बजाई और जुबैर को बताया कि जब एक पहलवान की टांग या जिस्म रस्सी पर लग जाए और विसिल बजाए तो उसके बाद छोड़ देना चाहिए। ये तीसरा राउंड कदाफी स्टेडियम लाहौर में जुबैर झारा। रेफरी ने बर्नार्ड ने दो दफा पूछा कि डू यू सबमिट, यानी अब तुम हार तस्लीम करते हो या नहीं, जिसके जवाब में अनोखी ने कहा नो। और अभी तक जुबैर ने अनोखी की बाजू और गर्दन को अपने काबू में किया हुआ था, अब उन्होंने उसकी कमर पर अपने दोनों हाथों से दबाव डाला हुआ है। अनोखी इस वक्त और बहुत तेजी से पलटे, अनोखी फिर से बचने की कोशिश कर रहे हैं और ये उन्होंने बाजू लगाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन ब्रिज बनाने की कोशिश की, सेमी ब्रिज बनाने में कामयाब हुए। जुबैर फिर तेजी से आए, उन्होंने एक बाजू एक हाथ जो है अनोखी के गर्दन पर रखा और फिर जस्ट लगाने की कोशिश की। अभी तक उन्होंने दोनों टांगे पकड़ी हुई हैं और उनको पलट कर चाहते थे कि किसी तरह अनोखी को दोनों टांगों की मदद से पलट दें, लेकिन अभी तक वो कामयाब नहीं हुए। अनोखी नीचे हैं और जुबैर ऊपर। जुबैर ने दोनों अनोखी की टांगे पकड़ी हुई हैं, अनोखी नीचे हैं लॉक और ये तीसरा राउंड भी खत्म हो चुका है। अब मुकाबले के खत्म होने में दो राउंड बाकी और आज के ऐलान करदा कानून के मुताबिक ये कुश्ती 5 राउंड की होगी और हर राउंड 5-5 मिनट का होगा। ये अकरम पहलवान अपने भतीजे के सेकंड हैं, उसकी मालिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये है हमारे स्क्रीन पर अनोखी पहलवान, उनके साथ उनके सेकंड और फिर ये जुबैर पहलवान मुस्कुरा रहे हैं, पसीना पोंछ रहे हैं अनोखी का उनके पार्टनर। तो राउंड बाकी है। किक लगाने की कोशिश की, जुबैर ने बहुत मुस्तैदी से अपने आप को बचाया। गर्दन को पूरी तरह अपने काबू में किया, झटका देकर अनोखी उनको अपनी गिरफ्त में ले आए और बहुत तेजी से उन्होंने ऊपर आए, लेकिन इससे पहले कि वो कोई खतरनाक दांव लगाते जुबैर ने रस्सी पकड़े, जिसके बाद अनोखी को
गांव छोड़ना पड़ा। दोनों पहलवान रंग के वस्त्र में, बाजू पकड़ा हुआ है अनोखी ने, एक हाथ उनका इस वक्त दुबैर का हाथ उनकी गर्दन पर, तेजी से दस्ती लगाने की कोशिश की थी लेकिन कामयाब नहीं हुए। जुबैर ने अपने आप को बचाया। ये जस और कमर को काबू करने की कोशिश की लेकिन तेजी से बचे। टक्कर मारी उन्होंने दूसरी टक्कर, और जवाब में अनोखी ने भी टक्कर मारने की कोशिश की। में दो राउंड बाकी और आज के ऐलान करदा कानून के मुताबिक ये कुश्ती 5 राउंड की होगी और हर राउंड 5-5 मिनट का होगा। ये अकरम पहलवान अपने भतीजे के सेकंड हैं, उसकी मालिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये है हमारे स्क्रीन पर अनोखी पहलवान, उनके साथ उनके सेकंड, और फिर ये जुबैर पहलवान मुस्कुरा रहे हैं, पसीना पोंछ रहे हैं अनोखी का उनके पार्टनर। चौथा राउंड शुरू हुआ चाहता है। कुश्ती के खत्म होने में कमर को काबू करने की कोशिश की लेकिन तेजी से बचे। ये जस और कमर को काबू करने की कोशिश की लेकिन तेजी से बचे। टक्कर मारी उन्होंने दूसरी टक्कर, और जवाब में अनोखी ने भी टक्कर मारने की कोशिश की। अपने आपको बचाया। इस वक्त उन्होंने जुबैर ने उनको नीचे गिराया हुआ है और रेफरी ने कहा कि उनके गर्दन ना दबाई जाए। इस वक्त अनोखी नीचे गिरे हुए हैं, जुबैर उनके ऊपर, और वो शाने टिकाकर पॉइंट हासिल करना चाहते हैं। दोनों बाजू अनोखी के जुबैर के कब्जे में दबाव डाल रहे हैं दोनों टांगों को फंसाकर, लेकिन अनोखी ने दोनों टांगे जो हैं उनके पेट में फंसाई हुई हैं ताकि वो इस से जुबैर को अपने ऊपर वजन देने से रोक सके। पूरे ताकत से जुबैर अनोखी का बाजू मोड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस वक्त अनोखी की टांग जुबैर के गिरफ्त में और उसको मोड़ने की कोशिश की। अभी तक अनोखी नीचे है और जुबैर ऊपर। अपने बाजुओं से ताकत से ये चौथा राउंड भी खत्म हो चुका है। मुकाबला अभी तक बराबर है। दोनों पहलवानों से कोई पहलवान नहीं कोई पॉइंट हासिल करने में कामयाब नहीं हुआ। इस तरह पांचवा और आखिरी राउंड दोनों पहलवानों के लिए बहुत ही अहमियत का हामिल है, क्योंकि अगर इस राउंड में जिस पहलवान ने भी पॉइंट हासिल कर लिया तो इस उसके मुकाबले में दूसरे पहलवान के लिए पॉइंट हासिल करना काफी मुश्किल तलब बात होगी। ये झारा जो कि चौथे राउंड के खत्म होने के बाद पानी पी रहे हैं उनके, और ये है अनोखी जो कि अपने कॉर्नर में खड़े हुए हैं, और दोनों उनके पार्टनर जो हैं वो उनको इस वक्त तौलिया चल रहे हैं क्योंकि यहाँ काफी गर्मी है। और इसके साथ साथ तकरीबन 25,000 तमाशाई कदाफी स्टेडियम लाहौर में
ये अहम मुकाबला देख रहे हैं जो कि पाकिस्तान की कुश्ती का अहम तरीन मुकाबला है और अभी तक इतनी महंगी कुश्ती कभी पाकिस्तान में नहीं हुई क्योंकि इस क्रिकेट कुश्ती का कम से कम टिकट जो है वो 100 रुपए है। जुबैर झारा और अनोखी के दरमियान आखिरी मुकाबला आखिरी राउंड है इस मुकाबले का। अब तक 4 राउंड हो चुके हैं और चारों के चारों राउंड बराबर हैं, दोनों में से किसी ने कोई पॉइंट हासिल नहीं किया। मुकाबले का आगाज हुआ है लेकिन इससे पहले के मुकाबला दोनों पहलवानों ने रेफरी ने विसिल नहीं बजाई थी और दोनों पहलवानों ने लड़ना शुरू कर दिया था। जुबैर और अनोखी दोनों ने एक दूसरे से सर मिलाया। इस वक्त जुबैर के दोनों हाथ अनोखी के सर पर, उसने टक्कर लगाई और टक्कर लगाने के फौरन बाद वो तेजी से उनके पीछे आना चाहते थे दस्ती करने के लिए। जवाब में इस वक्त अनोखी ने अपना लेफ्ट जो घुटना है वो जुबैर के पेट पे मारा था। उसके बाद दोनों पहलवानों ने एक दूसरे पर अपने दांव आजमाए और इस वक्त रिंग के वश में दोनों पहलवान एक दूसरे से फिर जोर आजमा हो गए। किक लगा रहे, लगाई थी इससे पहले अनोखी ने जुबैर का बाजू अपने कब्जे में कोशिश की ताकि आर्म लॉक लगाया जाए लेकिन जुबैर फुर्ती से बचे। इस बकिया 4 मिनटों में इस बात का फैसला हो जाएगा कि कौन सा पहलवान कामयाबी हासिल करता है या ये मुकाबला बराबरी पर खत्म होता है। जुबैर का बाजू उंगलियां अनोखी के कब्जे में थी लेकिन जुबैर ने उनको छुड़ा लिया और पूरा बाजू मारा था अनोखी के मुंह पर। अनोखी बचे थे उस गांव से। पहलवानों ने एक दूसरे के बाजू पकड़े हुए थे, किक मारी पहले जुबैर ने उसके बाद अनोखी ने, अनोख ने फिर घुटना मारा, जुबैर ने आगे बढ़कर टांग पकड़ने की कोशिश की। अभी तक इस फ्री स्टाइल कुश्ती में फ्लाइंग किक दोनों पहलवानों में से किसी पहलवान ने नहीं लगाई है और ये बस किक लगाकर उन्होंने गिराया अनोखी को लेकिन अनोखी बहुत फुर्ती से खड़े हुए और फिर एक दफा और एक अनोखी गिराया, अनोखी नीचे गिरे, दोपहर पहलवान उनके ऊपर आए लेकिन उनके दोनों पैर जो है उन्होंने पकड़े हुए हैं और लेग लॉक लगाया हुआ है लेकिन बहुत ही इत्मीनान से अनोखी नीचे है और वो सोच रहे हैं कि जुबैर के इस दांव से किस तरह अपने आप को बचाया जाए। रेफरी जुबैर को बता रहे हैं कि किस तरह ये दांव लगाया जाए। ये अनोखी की टांग, जुबैर के हाथ और वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि पूरा अपना दबाव अनोखी के टांगों पर डालें। ये 5वां और आखिरी राउंड है। जुबैर के काबू में दोनों टांग, अनोखी की दोनों टांगे मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तमाशे ने जोरदार तालियां बजाई। अनोखी नीचे हैं इस वक्त, उन्होंने पूरी ताकत से जुबैर ने अपने बाजू छुड़ाए और अनोखी के बाजुओं को अपने कब्जे में किया। अनोखी और जुबैर का यह मुकाबला
अनोखी ने दोनों टांगे जुबैर की फंसाई हुई हैं, जबकि जुबैर इस वक्त दबाव उसके गर्दन पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। जुबैर की कोशिश है कि दोनों शाने लगाकर पॉइंट हासिल कर लें। अनोखी ने अपने दोनों टांगों से जुबैर को रोक रखा हुआ है, लेकिन फिर दोबारा अनोखी ने कामयाब हुए और इस वक्त जुबैर ने बहुत तेजी से और ये पांचवा और आखिरी राउंड भी खत्म हो गया है। और जिस तरह के कुश्ती पांच राउंड की होगी और हर राउंड पांच मिनट का होगा, पांच राउंड खत्म हो चुके हैं, अभी तक दोनों में से किसी पहलवान ने कोई पॉइंट हासिल नहीं किया है और ये कुश्ती जो है बराबर है। अब ये देखना है कि मुंतजमीन की तरफ से इस सिलसिले में क्या ऐलान किया जाता है। देखना है कि अनोखी इस वक्त जुबैर के हामी जो है झारा के वो बहुत तेजी से रिंग में आए हैं, वो के मुकाबला बराबर पर खत्म हुआ है। अब ये देखना है कि अनोखी ने क्या कहा है जिसके बाइस इस वक्त तमाशाई Okay. Now in our box we have Mr. Manav Biskit, who was the referee of today's bout between Anoki and Tara. As the fight has finished, I would like to ask Mr. Bernard some questions, or I will request him to tell our viewers who is the winner, who is the winner and the final point of both the refs. The rest was called five rounds without a point. The Zubair was on a Jara. On a Jara. Zubair Jara was on a point of winning, and after the fifth round, the Japanese wrestler, Noki, only raised the hand. The Pakistani wrestler, as far as I know, is the winner. Thank you, ladies and gentlemen. Zubair is the winner. Thank you, Mr. Banat. नाज़रीन, जैसा कि आज के मुकाबले के रेफरी जनाब बन्ना ने बताया कि पांच राउंड तक मुकाबला बराबर था, लेकिन जापानी पहलवान अनोखी ने अपने पहलवान अनोखी ने जापानी पहलवान अनोखी ने आखिर में ये तस्लीम कर लिया कि जुबैर झारा उनसे बेहतर पहलवान है और उन्होंने अपने आप को उनके मुकाबले में शिकस्त खुदा तस्लीम किया और झारा को फाते करा। इस तरह आज के मुकाबले में असलम जुबैर पहलवान ने असलम के पसंद जुबैर उस झारा ने ये मुकाबला उस वक्त जीता जबकि अनोखी ने उनको फाते तस्लीम कर लिया। और ये है इस वक्त झारा पहलवान जिनको के आप देख रहे हैं। पतंजलि कार्डिंग